मैं और शीला आज ही मुंबई जा रहे हैं। अब मैं उसके सारे टेस्ट वहीं करवाऊंगा। शीला कहीं नहीं जाएगी। क्यों? तुम्हें किस बात का डर है? मुझे किसी चीज का डर नहीं है, लेकिन आपको इतनी जल्दी क्यों है? मैं शीला को कहीं नहीं जाने दूंगा। हम दोनों जाएंगे और आज ही जाएंगे। मैं भी देखता हूं तुम्हें कैसे रोकते हो। तुम उसके पति हो पर मैं उसका बाप हूं। बाप है लेकिन फिर भी आपको अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। अरे आज जो कुछ क्लिनिक में हुआ था उसकी वजह से वो पहले से ही परेशान है, और फिर भी आज और आप आज रात ही रात उसे मुंबई ले जाना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि इतनी भागदौड़ शीला और बच्चे के लिए ठीक नहीं है। देखिए आप मुंबई में शीला का चेकअप करवाना चाहते हैं ना, करवाइए। कल सुबह यहां से मुंबई के ट्रेन जाती, मैं आप दोनों की टिकट बुक करा देता हूं, लेकिन आज रात प्लीज उसे आराम करने दीजिए, प्लीज। पर कल हम दोनों जरूर जाएंगे। रतन वो कंप्यूटर का मॉनिटर मेरी आंखों के सामने फट गया। हमने आपसे कहा था ना कि अच्छा ये सोनोग्राफी होने ही नहीं देगा। मैं कल सुबह शीला को बंबई लेके जा रहा हूं और वहीं उसका चेकअप करवा देता हूं। नहीं वो वहां पर भी नहीं होने देगा। अरे क्यों नहीं होने देगा, क्या कर लेगा वो, क्यों नहीं होने देगा? वो कुछ भी कर सकता है। अरे तुम लोग ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो, और अजय अब शीला की सोनोग्राफी करने के लिए मान गया है। प्रताप जी मुंबई में मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर तारा, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, बॉम्बे हॉस्पिटल में काम करती है। आप प्लीज उससे मिल लीजिएगा, शीला के सभी टेस्ट करवा देगी। ठीक है मैं चलता हूं। एक बार ये सोनोग्राफी हो जाए तो ही ये विश्वास करेंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं भी उसी ट्रेन से चला जाता हूं। इन्हें पता नहीं अजय कितना खतरनाक है, वो कब क्या कर देगा। समझ गया।
मेरा दिमाग भी खराब हो गया, मैं तो खा खा घबरा रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं। दो चार मिनट यहाँ रुक जाता हूँ, सांस में सांस आ जाएगी, फिर चला जाऊंगा। अजय, क्या हुआ, क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? और ये लोग, पापा, बाबा, 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 बाबा। ऐसी मौत हमारे लिए परेशानी बन जाती है। पता नहीं इसने आत्महत्या की है या फिर इसका खून हुआ है। बाबा, बाबा ये क्या हो गया? बाबा यहाँ पर कल रात जरूर कोई सोया था, वो बलराम के लिए काम करता है वो लड़का। सर रामू? हाँ हाँ रामू, यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हे बलराम के घर जाना और वो लड़का देखना, मिला तो मेरे पास लेकर आना। yes, जाओ। बाबा, बाबा ये क्या हुआ? चलो शीला, चलो नहीं, चलो 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 बाबा, बाबा, अजय, शीला, ये इंस्पेक्टर। ये उनके हाथ में था? जी इंस्पेक्टर। मरने वाले के हाथ से ये कपड़ा मिला है, अगर उनका खून हुआ है तो ये कपड़ा हमें खूनी तक पहुंचाएगा। ये कपड़ा तो मैं पहचानती हूँ इस कपड़े को। तुम अजय साहब के घर में काम करती हो ना? जी हाँ। तुम पहचानती हो इस कपड़े को? जी, ये कपड़ा उन्हीं की शर्ट का है जो आपके साथ हमारे घर आए थे।
रतन अरे ये क्या बदतमीजी है अरे क्या चल रहा है आप सब लोग बाहर जाओ चलो अरे क्यों किसने सबको बाहर निकालो चलो बाहर चलिए चलो चलिए और दरवाजा बंद कर लो तुम उस दूसरे कमरे की तलाशी लो जाओ तो लड़कियां रह रही है चलो जाओ ठीक है इस कमरे की तलाशी लो चलो जल्दी सर इंस्पेक्टर प्लीज रतन को छोड़ दीजिए उसने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर प्लीज इंस्पेक्टर मैंने ये खून नहीं किया है अच्छा तो फिर प्रताप साहब के हाथ में तुम्हारी शर्ट का टुकड़ा कहां से आया हाँ मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है अरे मेरी शर्ट तो तब फटी थी जब मैं उस दिन वहां हाँ बोलो कब फटी थी बोलो बोलो कब फटी थी जब तुम अजय साहब के घर में चोरी के इरादे से गए थे तब हमसे कुछ मत छुपाओ हमें अजय साहब ने सब बता दिया है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कोई गड़बड़ नहीं करना लेकिन तुम नहीं माने अब क्या केस बनेगा तुम्हारे खिलाफ मालूम है पहले तो तुमने इस इज्जतदार आदमी को बदनाम करने की कोशिश की फिर उनके घर में चोरी की उसके बाद उनके ससुर को मार दिया बहुत बुरी तरह से फंस गए हो तुम बहुत बुरी तरह से मुझे तो तुम्हारा फ्यूचर साफ नजर आ रहा है तुम्हें फांसी ही होगी चलो चलो इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज रतन को छोड़ दीजिए देखिए उसने कुछ नहीं किया है वो बेकसूर है देखिए हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है और बहुत जल्दी गवाह भी मिल जाएगा आप लोग मेरे साथ बहस मत करो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं तुम मेरे दोस्त हो ना तुम्हें मेरी बहुत चिंता है हर मुश्किल से बचाना चाहते हो तुम मुझे हाँ शीला हाँ तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो मेरे बाबा को क्यों मारा तुमने बोलो 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 मैंने बाबा को नहीं मारा शीला मैं उन्हें क्यों मारूंगा हाँ इस वक्त तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा लेकिन सच यह है कि तुम्हारे बाबा की मौत के पीछे अजय का ही हाथ है बस करो ये झूठी कहानियां जब से तुम यहां आए हो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है किस जिंदगी की बात कर रही हो तुम कौन सी जिंदगी अरे तुम्हारी ये जिंदगी झूठी है सब कुछ झूठ है यहां तक कि तुम्हारी प्रेगनेंसी भी झूठी है हाँ तुम्हारे पेट में जो पल रहा है वो कोई बच्चा नहीं है कुछ और है कुछ और इस बात का शक तुम्हारे बाबा को भी हुआ था इसीलिए अजय ने उन्हें भी मार दिया अच्छा यानी हम सब झूठे हैं और तुम अकेले सच्चे हो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैडम रुको मैडम मैं नहीं छोड़ूंगी
अगर हम ये साबित कर दें कि पिछले 4 सालों से तुम बॉम्बे में रह रही थी, वहां काम करती थी, तो क्या तुम हमारी बात का यकीन करोगी? बोलो। मैं कल बॉम्बे जा रही हूं वकील को लाने। वहां मैं तुम्हारे घर और ऑफिस जाऊंगी और वो सारे सबूत जो ये साबित कर सकते हैं कि तुम वहां रहती थी, यहां लेकर आऊंगी। एयरलाइंस के लोग, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी रूममेट, सारे लोगों को मैं यहां गहोटा में लेकर आऊंगी। तब जाकर शायद तुम्हें यकीन हो जाए कि जिन लोगों को तुम अपना दुश्मन समझती हो ना, वो तुम्हारे असली दोस्त हैं, और जिसे तुम अपना पति समझती हो वो तुम्हारा दुश्मन है। सारिका अगर सबूत लेके वापस लौट आई तो शीला के दिमाग पे हमने जो काबू पा रखा है वो खत्म हो जाएगा। शीला को सच पता चल जाएगा, हमारी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। एक ही रास्ता है, वो मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। आप कहें तो मैं उसे नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई जरूरत है। शीला के कोख में उनकी शक्ति हर पल बढ़ती जा रही है। तुमने देखा नहीं, उन्होंने प्रताप को कितनी आसानी से रास्ते से हटा दिया। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो है ना, वो सब संभाल लेंगे। मुंबई पहुंचना तो दूर, सारिका कहोटा के बाहर भी नहीं निकल पाएगी। सारिका, तुम्हारा इस तरह अकेले जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अजय का कुछ भरोसा नहीं है, अगर उसे पता लग जाएगा तो कुछ भी कर सकता है वो। पता है डॉक्टर, लेकिन रतन को छुड़ाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। परिमल एक अच्छा वकील है और वो हमारा दोस्त भी है, देखना वो रतन को एक मिनट में छुड़ा लेगा। मैं परसों तक वापस आने की पूरी कोशिश करूंगी। कैसे आई? हाँ सारिका, सारिका मैं यहां कैसे आई? कुछ बोलो ना सारिका। ड्राइवर आपको कुछ पता है मैं यहां कैसे आई? ड्राइवर व्हाट इज रॉन्ग विद यू बोथ, आप लोग बोलते क्यों नहीं कुछ? ओह गॉड, इस आईने में मैं दिखाई क्यों नहीं दे रही हूँ? सारिका है, ड्राइवर भी है, लेकिन मैं क्यों नहीं दिखाई दे रही हूँ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? सारिका! ड्राइवर क्या हुआ? मैडम सामने एक आदमी खड़ा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.